अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आप सबका? मुझे आसमान दिखाई, जरा नीचे करके स्टिक को। अच्छा, नीचे करके ये देखिए जी, कितना प्यारा सुबह। बहुत बारिश हो रही थी। आज है 27th of April, सैटरडे का दिन है। इट्स वीकेंड। फोरकास्ट ये थी कि जनाब बहुत ज्यादा बारिश होगी 4-5 दिन, लेकिन अभी बारिश रुक गई है। मौसम बहुत अच्छा था, हमने कहा चलो बाहर निकलते हैं और नया तजुर्बा करते हैं स्टिक के साथ। लेकिन रात को फिर बारिश शुरू हो जाएगी। रात को फिर बारिश। अच्छा जी, आज एक बड़ा मजेदार बात ये हुई मुझे, मैंने आपको भी नहीं बताई है कि हमारे एक व्यूअर सब्सक्राइबर हैं और वो ऑल द वे फ्रॉम लाहौर मिलने के लिए मेरे क्लिनिक में आए। अच्छा, ओके। विद फैमिली जी, और फिर उन्होंने आज ही वापस चले जाना था। ये बहुत बड़ी बात है। ये अभी हम खाना लगाने लगे हैं नीचे, क्योंकि बख्तावर वगैरह आपको पता है कि वीकेंड पे वो घर चले जाते हैं, तो मैं और मुजीब मिल के खाना लगाते हैं और साथ में आपको सारा बताती हूँ। और दो इसके अलावा एक गिफ्ट है जो वही लेकर आई थी, और एक पार्सल है जो अनपैक करना है। पहले खाना खा लेते हैं और उसके बाद फिर पार्सल अनपैक कर बैठ के। और ये देखो हमारे दोनों के दरमियान में से कितने सारे फूल आपको नजर आ रहे हो। कोई भी नहीं आ रही। ओ देखो, वो देखो, वो देखो, ये देखो ना। हाँ चलो, लेट्स गो एंड हैव फूड। ओके मुझे, मैंने खाना बहुत सिंपल बनवाया हुआ है। क्या बनाया? बहुत सिंपल, मतलब आलू बनवाए हुए हैं, इसलिए क्योंकि कल फिर कोई अच्छा सा डिनर कर लेते हैं। कल वैसे भी संडे है, मौसम भी अच्छा है। किसे अच्छा सा डिनर, किसे अच्छी सी होटल में? चले ठीक है। बख्तावर मेरे ख्याल में रोटी भी बना गई है और सालन भी बना गई है और लगा भी गई है, लेकिन इसको गर्म बाबा करेंगे। मुझे दिखाए ना सबको कि ये क्या है। ये आलू की भजिया है। ये देखें, ये उसी My की favorite. उसी की कोई रेसिपी है। My favorite. ही बहुत ज्यादा साइड पे नजर आ रहे हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में उसने लगाया हुआ बघार। खाते हैं, इसके साथ अचार भी ले लेते हैं, है ना। और साथ में ये पड़े हुए हैं जनाब चावल। चावल तो ये दोनों गर्म करते हैं और खाना खाते हैं और साथ लगाते हैं जनाब अली आप लोगों के साथ गपशप। कितना देंगे इसको? 3 मिनट्स। 3 मिनट्स दे दें, अच्छा गर्म हो जाए। मुझे चम्मच ना हो बीच में। चलो जी, दे दिया। इस तरह की आलू की भुजिया मैंने तो कभी नहीं बनाई। हाँ, ये कोई नया स्टाइल है बख्तावर का। अगर तो अच्छी होगी तो फिर उससे पूछेंगे कि उसने कैसे बनाई है। ये वाइट वाइट से कलर के आलू हैं और उसके ऊपर इसने तड़का लगाया हुआ है और अच्छा लग रहा है वैसे। चले खा कर देखते हैं। दें जरा रोटी। अच्छा, रोटी भी बड़ी देर खस्ता पख कड़े दे। टेबल के केदा दे। तो अगर मैं सही बोल रही हूँ तो मेरे जितने भी पठान बहन भाई हैं। अच्छा जी, ये रोटी भी वो है जो कि डॉन की है और ये बने बनाए पराठे हैं। इसके ऊपर घी नहीं लगाया। जैसे जैसे ये बनता है, पता नहीं इसके अंदर से खुद ही घी ऊज आउट हो जाता है। हाँ, वो फ्रीज हुआ होता है ना एक्चुअली। अच्छा जी, तो चखते हैं पहले, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ। जरा कहीं जाना नहीं है, बात बड़ी जरूरी है। हमारे साथ ही रहना। साथ हम ले रहे हैं चार, क्योंकि आपको पता है कि मामा के हल्क से ये भुजिया उतरनी कोई नहीं है। मुझे आपने मुझ पर बड़ा जुल्म किया है। बल्लू और आमना होती थी ना, या मुईज, इधर पिज्जा आ जाता था, वो नहीं ऐसे कॉम्प्रोमाइज करते थे। नहीं, ये गाजर ले लिए मैंने, आपने क्या लेना है? ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले खाकर मैं आपको बताती हूँ कि आलू की भुजिया बनी हुई कैसी है। बड़ा कुछ डिफरेंट है, ये देखिए ना जरा, ये देखे। हाँ, बड़ा मजेदार डिफरेंट मैं बताती हूँ। ये वो पूरियों के साथ जो होते हैं ना, ये वो है। इसकी शक्ल भी ऐसी है, ये बहुत मजेदार है ना। वाह, बहुत मजे का। अच्छा जी, सुबह मुझे कॉल आई एक खातून की कि मैं, हम लाहौर से चले हुए हैं तो आप हैं अपने क्लिनिक में, क्योंकि हमने मेडिकल ओपिनियन लेना है। मैंने कहा ऑफकोर्स, मैं तो 5 बजे तक बैठी भी होती हूँ। मैंने कहा आप आ जाए। शी वॉज अ वेरी क्यूट अ ब्यूटिफुल लेडी जिनके साथ उनके 3 बच्चे थे। उनका नाम था असमारा और वो मेडिकल ओपिनियन तो लेना था, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ऑल द वे फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद वो हमसे मिलने के लिए आई है। अच्छा, और वो मुझे कह रही थी, nice of them, वो मुझे कह रही थी आई विश के साइमा मामी से मुलाकात हो जाती। मैंने कहा यार आप मुझे बताती, मैं साइमा को बताती तो वो यकीनन आ जाती। वो आपसे मिलना चाह रही थी। आप यकीन करें कि मेरे दिल में इतनी कदर है इस बात की हुई उनकी, बिकॉज कोई भी इतनी दूर से सिर्फ आपको मिलने के लिए 1-day trip लगा के इस्लामाबाद, और फिर यहां से उन्होंने वापस जाना था आज ही लाहौर। हालांकि मैंने उनको कहा कि आप मेरे पास रुके और हमारे साथ डिनर वगैरह करके जाए, लेकिन वो
इतना बड़ा उन्होंने, इतना थकावट वाला काम जो मेरे लिए किया है अस्मारा, इट रियली रियली मीन्स अ लॉट, और ये मेरे ऊपर ड्यू है। जब हम मैं और बाबा लाहौर जाएंगे तो वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट इंशाल्लाह ताला कि हम आपके पास जरूर आए। तो मुजीब के वो कह रहे थे कि जब आप व्लॉग में बाबा को कुछ कहती है ना, तो सारे बच्चे कहते हैं नहीं मामा मत कहे बाबा को ऐसे। तुम कहाँ कहती हो मुझे? मैंने उन्हें यही कहा, मैंने कहा ये तो रोमानी में हम एक दूसरे के साथ लगे हुए होते हैं, लेकिन आपका आपको इतना वो पसंद कर रहे थे। बहुत से आते हैं, मतलब इस तरह के भी आ सकते हैं कि जिन्होंने शाउट आउट लेना हो। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बेटा आप लोगों ने अगर YouTube चैनल खोलना है तो खोल लें, मैं आपको शाउट आउट दूंगी, लेकिन वो सिर्फ हमें मिलने के लिए आए थे। और ये उनकी जो एक प्योरिटी ऑफ इमोशंस थी ना हमारे लिए, उसकी मुझे बहुत कदर है। प्यार को कहते हैं अनकंडीशनल लव, ऐसा प्यार अस्मारा आपने मुझे शो किया है जिसके बदले में आपको कुछ भी नहीं चाहिए था। हमारा चैनल आपकी वजह से है, आप सब लोग देखते हैं, पसंद करते हैं और हमें और हिम्मत मिलती है, और हम रोजाना अपनी रूटीन के साथ आ जाते हैं कि आप लोगों से मुलाकात हो जाए। और आप हमें इतना प्यार देते हैं ना कि हम भी पूरी दिल से आपको अपनी फैमिली समझते हैं, लेकिन जो इस तरह के जब इंसिडेंट्स होते हैं ना मेरे साथ, तो उनको फिर मैं कभी नहीं भूलती हूँ। तो जो आई थी, जो मदर थी, उनका नाम था अस्मारा, बेटी का नाम था गन्ना, और उसके बाद जो उनके बेटे हैं उनका नाम था मियां वासिल, बड़े बेटे का, छोटे का नाम था अब्दुल मुकीत। तो अस्मारा था, अच्छा, बड़े प्यारे नाम है, डिफरेंट नाम है ना, अस्मारा, गन्ना, मियां वासिल, अब्दुल मुकीत, मामा गिलोर एंड बाबा, लव्स यू अ लॉट, खुश रहे, जीते रहे, और जहां पर भी रहे ढेरों अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे। ना सिर्फ वो आई हैं बल्कि वो साथ उन्होंने कोई गिफ्ट भी पकड़ा हुआ था मेरे लिए, तो इससे भी बड़ा, मैं ये इतना बड़ा गिफ्ट था कि आप लोग इतनी दूर से मुझे मिलने के लिए आए। इससे बड़ा फर्क पड़ता है, पढ़ी लिखी फैमिलीज और पढ़े लिखे लोगों का परसेप्शन इज डिफरेंट, परसेप्शन ज्यादा रिफाइंड होता है, और वो जिस हम चीजों को परसीव करते हैं देखते हैं, इट इज डिफरेंट। लेकिन मैं ये बता दूं कि जो पुराना जमाना था ना, उसमें बहुत पढ़े लिखे अगर नहीं भी लोग थे ना, तो उनमें विजडम बहुत थी। विजडम इज एंटायरली, असल में पढ़ाई लिखाई दिमाग को खोल देती है, और जो एक अंदर की विजडम है ना, वो गॉड गिफ्टेड होती है, राइट। तो वो विजडम भी जिन लोगों को मिली हुई है वो भी खुशकिस्मत है। और जो बहुत पढ़े लिखे भी मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनमें बिल्कुल अकल नहीं है। तो ओवरऑल ये है कि एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। क्या लाजवाब, ये आलू की भुजिया बनी है भाई, अचार के साथ तो मजा ही आ गया। तो वेरी गुड, खाना खाते हैं, बाबा से बर्तन धुलवाते हैं, तो बर्तन धो के रहिए बिल्कुल ठीक है। तो मुझे पता है अभी मेरे ऊपर जो है ना, वो सारों ने तोपे फिट कर देनी है, ऐसे नहीं होगा। नहीं वैसे आपस की बात है, घर के काम करने में कोई आर नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। मैं तो नहीं समझती हूँ कि बंदे अगर घर में काम करेंगे तो वो औरतें लगेंगे, हैंडसम लगते हैं बंदे या औरतें जो भी काम करें, अर्जुन करें कि बस खाना खाते हैं और फिर ऊपर चलते हैं और ओपन करते हैं। आई थिंक मेरे लिए एक वो आई भी है, मैंने फाउंडेशन मंगवाई थी, वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, और वो आम बाजार के रेट से सस्ती मिलती है। यार तो मैं आपको ऑनलाइन लिंक भी बता देती हूँ ताकि आप लोग भी मंगवा सकें। मुझे बड़ी अजीब बात है, किस तरह की फाउंडेशन मिल जाए, तो ये लोग जो इतने इतने पैसे खर्च करते हैं फाउंडेशन बनाने में, हम फाउंडेशन मुझे इस किस्म के जोक्स नहीं क्रैक नहीं क्या नहीं। तो अभी मुझे बर्तन धोने मेरा कोई मूड नहीं है आपके लेम जोक सुनने। तो ये फाउंडेशन क्या मतलब, ये कोई और फाउंडेशन है, मैं घर की फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ। ये क्या हो रहा है, कुछ कुछ खुश नहीं नजर आ रही, तो साया भी साथ जब छोड़े जाए। यार लाजमी तो नहीं है कि हर वक्त में गोश्त ही मिले। ऐसी है आलू की भुजिया, अब भुजिया आई, रोना चाहूं तो आंसू न आए, ऐसी है आलू की भुजिया। नहीं नहीं यार ये तो जाती है, वैसे वो ये जाती है, पूरा पराठा खा लिया, ये तो कोई बात नहीं, मैं तो आई।
मजे ले लेके खा रही हो और साथ कह रही हो कि जी अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि बिन्यामीन आया वे। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बड़े दिनों के बाद आए हो। ये यहाँ पे घास निकल आएगा? नहीं, वो दोबारा निकल आती थी ना बूटी। बूटी तो निकलती है, तो बूटी जड़ी निकल नहीं सकती। बिन्यामीन थोड़ी कोई गोडी शोडी भी करनी चाहिए दी है। ते ए पुदीना बहुत ज्यादा हो गया, ए की करिए? पुदीना काट के खाया करो, चटनी बनाया करो। हाँ, चटनी बनाया करो। सही है। धनिया खत्म है? धनिया पे। उसके लिए कोई गमला है? हाँ लगाया। मैं कह रही हूँ कि छत से ना दो मजदूर ला के छत वाले गमले नीचे ले आओ और नीचे लगा दो सब्जी। वो बहुत अच्छे नहीं हो रहे हैं और ऊपर कोई जाता ही नहीं है, वो बहुत ज्यादा सीढ़ियां हैं। अच्छा, किधर दिखाओ? इधर मैं चार पांच बीज लगाया था, एक उग गई। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये एक भी चल पड़ा ना? हाँ जी। तो इसको फिर इस दीवार पे चढ़ा देंगे इस तरह। और तोरियां ही तोरियां निकलेंगी। बिल्कुल सही बात है। और कुछ कहना है हमारे नाजरीन को पौधों के बारे में? कोई अगर मशवरा सलाह देनी हो तो दे सकते हैं आप। मैं? हाँ जी, एक्सपर्ट हो ना तुम। पौधे जो तो क्या लगता है इस सीजन में क्या उगता है? सीजन में अपना टिंडे। हाँ, किया कद्दू। ठीक है, करेले। करेले भी उधर। भिंडी, भिंडी, काली तोरी। तुमसे तो ज्यादा मैं बताए जा रही हूँ। हाँ ये भी है, इसमें धनिया का बीज डला हुआ है मुझे लगता है। हाँ जी लगाया। चलो अल्लाह करेगा तो आज उग जाएगा। तो बड़ी फूट रहा है। फूट रहा है? हाँ जी। चलो धनिया जरूरी है भाई। हाँ जी, धनिया बिन धनिया के बगैर ना गुजारा नहीं है। हाँ जी। तो अंजुम, ये पार्सल रिसीव हुआ है, मुजीब ने किया है, मैं तो नहीं आई हुई थी। अच्छा हाँ, ये तो वो जो आया था 1600 का। यार मुझे इस पेज का नाम भूल रहा है, मैं ज़ेहन पे बड़ा जोर डाल रहा हूँ। जैसे भी मुझे जैसे ही पता लगेगा ना मैं बता दूंगी, लेकिन ये प्राइस बड़ी कम में देते हैं क्योंकि ये ड्यूटी फ्री चीजें देते हैं। ओके। तो आम दुकानों में मतलब काफी ज्यादा रेट होता है। तो ये मुझे जो ये होपफुली फाउंडेशन ही है, खोलते हैं मतलब खोलने में जो है ना खुल जा सिम खुल गया सिम। ये निकली फाउंडेशन, ये नार्स की फाउंडेशन है। ठीक है इसको काट लेते हैं मुझे। और ये जो इसमें बबल्स है ना, इससे मैं और आप खेलेंगे, टक टक करके तोड़ेंगे। ठीक है। ये तुम्हें मिली कहाँ से? था ये मुझे मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब पे। हाँ। तो उसमें ये आ गया और उस पे लिखा हुआ था शॉप नाउ, वो मैंने प्रेस किया तो वो आ गया। तो तुमने शॉप कर लिया? मुझे प्राइसेस पता थी। हाँ, अच्छा ओके। हाँ ये है जी। अच्छा ये मेरी NC15 आ गई है जी। हाँ, ये देखे कि ये 1600 की आई है। हाँ। और जबकि बाजार में ये 4000 की है। रियली? हाँ, अब ये नंबर 2 ना हो। इतना फर्क नहीं हो सकता है वैसे? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो मैन। तुम इस्तेमाल करती रही? तुम अभी यू आर द बेस्ट जज। जी हाँ मैं इसकी वो करके ना जिसको कहते हैं एनालिसिस अभी आपके सामने कर लेते हैं। अच्छा जरूर पता लग जाएगा। बिल्कुल। और फिर मैं इसका पेज भी आपको बताऊंगी। ओ नो, व्हाट इज दिस यार, इसमें तो ये होता ही नहीं है। स्टूडियो फिक्स है, मैक स्टूडियो फिक्स फ्लूइड SPF। ये कैसे आ गया इस तरह? इसमें ये होता नहीं है। क्या होता है इसमें? ये आप पोर करके डालते हैं।
बहरहाल जी देखते हैं, क्या पता ये कोई और। ये फाउंडेशन है, लाइटें सारी ऑन है, सारी ऑन है। ये देखें इसकी कवरेज अच्छी है, तुम्हें पता लग जाना चाहिए। ये देखें, ये देखें, नेचुरल है। हाँ नेचुरल, पता नहीं लग रहा के। हाँ अच्छा, ये इसका मतलब है कि ठीक है। मतलब अब मैं इसको देखूंगी कि कितना अरसा रहती है, लेकिन इसके ऊपर जो मैक लिखा हुआ है ये मिटा मिटा सा है, तो ये इसको मशकूक सा बना रहा है। चार पाँच हजार की चीज जो है वो 1600 की कैसे नहीं आ गई? हो सकती है, आई एग्री विद यू। तो खैर चले यूज करेंगे तो देखेंगे। उसके अलावा एक मेरी बड़ी अच्छी व्यूअर है जिनका नाम है सुमेरा, उन्होंने पूछा है कि आप फाइबर कौन सा यूज करती हैं। तो सुमेरा मैं ये वाला फाइबर यूज करती हूँ, इसको सुबह उठ कर ये दिन में किसी भी टाइम पे, इसमें सैशे होते हैं, तो ये आप एक सैशे एक ग्लास पानी में मिक्स करके पी लें। ये देखें इस तरह के सैशे हैं, और मुख्तलिफ फ्लेवर्स में ये आता है, ऑरेंज फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, मुझे ऑरेंज फ्लेवर पसंद है। इसको आप पानी में मिक्स करके पिए, और इसके ऊपर आप एडिशनल दो तीन ग्लास पानी या दो ग्लास तो पिए ही पिए। इससे क्या होगा कि आपकी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब नहीं होता, और आपका वेट कम होता है, कॉन्स्टिपेशन खत्म होती है, इंटेस्टाइनल मूवमेंट बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हार्ट पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है? बहुत अच्छा है, डाइजेस्टिव डायबिटिक्स के लिए भी अच्छा है, इट इज शुगर फ्री। अच्छा, और आपका जो ये लिपिड प्रोफाइल है यानी कि कोलेस्ट्रॉल, ये कम हो जाता है, और सो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। अच्छा जी, फिर ये अस्मारा जब जो आई है वो मेरे लिए लेके आई है ड्रेस सफायर का। अच्छा, तो अस्मारा थैंक यू, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ब्लू कलर है, वेरी ब्यूटीफुल ब्लू कलर। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल, वाह जी वाह, सो ब्यूटीफुल, आई लव इट। फैब्रिक कैसा है? मुझे तो सबसे ज्यादा फैब्रिक की प्रॉब्लम होती है। अच्छा फैब्रिक है। ये देखें जी शर्ट, और इसके ऊपर अगर आप मुझे क्लोजअप दिखाएं ना, तो ये इसके ऊपर गोल्डन काम है, वेरी ब्यूटीफुल पिंक और फिरोजी का कॉम्बिनेशन। बिल्कुल, और साथ इसके ये है दुपट्टा, पट्टा, ये है जी पट्टा, ठीक है। और ये है इसके साथ, दिखाएं मैं देखूं कि इसमें कहीं बॉर्डर ना हो। जब ये अंदर देखो, नहीं नहीं अंदर, ये उल्टी साइड है, ये बड़ी चमकदार साइड है अभी जी, ये है सीधी साइड, बल्कि इसके साथ होना चाहिए वो एक पिक्चर, पिक्चर है ना वो, ये दिखाओ, देखिए चमकदार साइड ऊपर है। नहीं मुझे चमकदार साइड लग रहा है ऊपर। अच्छा फिर ये देख ले, ये चमकदार, ये देखो इसके साथ कंपेयर करता हूँ, ये आई थिंक सीधी साइड जो है ना वो इज दिस, हाँ यही है मेरे ख्याल सीधी साइड, ठीक है। और ये हो गई शर्ट, नहीं ये मेरे ख्याल में ये दुपट्टा है भाई, ये देखो ये दुपट्टा, दिस इज शर्ट, दिस इज शर्ट, हाँ श्योर, आई थिंक सॉरी दिस इज दुपट्टा, दुपट्टा है ना, मैंने तुम्हें कहा था ना यार ये दुपट्टा, उसे तुझे देखो ना, यस दिस इज शर्ट, दिस इज शर्ट, दिस इज दुपट्टा, दिस इज दुपट्टा एंड दिस इज ट्राउजर, या आई एम सो स्मार्ट, वो कहता है ना आदि आई एम सो स्मार्ट। ये थी हमारी चीजें जो हमें आज मौसूल हुई है। वो कहता है वो देखो चीता बड़ा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जा रहा है, वो कहता है बेवकूफ बड़ा नहीं होता जा रहा, हमारी तरफ आ रहा है। ये मूवी है जिसका नाम मुझे भूल गया, मुझे भी भूल गया, अल्लाह के फजल से कोई बात नहीं याद आ जाएगा। चले जी, तो ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग, डेली रूटीन तो शेयर करनी ही होती है। ये कंपनी बता दे ताकि लोग पता, अगर ये नंबर दो हो तो ताकि लोग इसे मंगाए ना। जी जी, मैं ये अभी चेक करती हूँ कि मैंने किस से मंगवाया, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, इसके ऊपर कंपनी का नहीं लिखा हुआ, ऊपर लिखा होता है, देखो देखे ये मुझे हर चीज में आप मुझे लटका रहे हैं, लोग कहेंगे कि ये मामा को। चलो जब पता लगेगा तो बता देना। अंजुम मुजीब, अंजुम हर रोज से ब्लॉग बनाते हैं हम, अगले वाले बता देना, जब मुझे पता लगेगा तो मैं बताऊंगी, यहाँ से ना मंगवाएं क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो है ना
प्रोडक्ट ठीक नहीं है, प्रोडक्ट ठीक नहीं है। ये मुझे इसकी ये जो पैकिंग शेकिंग है ना, उसी से पता लग रहा है बिल्कुल ही बेकार है। तो प्लीज ऑनलाइन ना मंगवाएं, किसी अच्छी पाकिस्तान की शॉप से ही अगर आपने मैक का खरीदना है तो वही होना चाहिए। मैं तो शायद ये स्किन के ऊपर अप्लाई भी ना करूँ। बिल्कुल ठीक है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। जल्दी से अभी खुदा हाफिज कहना पड़ रहा है क्योंकि बाहर हो रही है अजान, और अजान के टाइम पे बोलना नहीं चाहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें, और मेरे और बाबा की तरफ से अल्लाह हाफिज। मैं तो लुट पुट गया।